अब आओ यार, अब फॉलो किया है ना, अब देखो आ जाएगा, फॉलो किया है, देखो आ जाएगा शायद। तुझ ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भा नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। अब आओ फटाक से, अब हो जाओगे शायद। वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं थी, वो एक्चुअली मैंने फॉलो नहीं किया होगा इसलिए नहीं आ रहा होगा उस वक्त, अब आ जाएगा शायद। अभी करो फिर वापस से। हेलो राहुल भाई, कैसे हो? क्या हाल है राहुल भाई आपके? तुझ ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं है, तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। जागी जागी सोए 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 जागू। अब वापस करो, आ जाएगा शायद। तुझसे कैसे हैं मेरे हालात, मजबूरियों के हाथ बिक गए मेरे जज्बा। जवान वाला लुक कहाँ गया? जवान वाला लुक गायब हो गया राहुल भाई। और बताओ क्या हो रहा है राहुल भाई, क्या हाल चाल है आपके? अपने बताइए क्या हो रहा है यार, इतने लोग थे अभी कहाँ गए सब? ला 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 हा ला, मेरे दिल के। कहाँ गए यासीन भाई, मुझे लाइव करके अपना लाइव चले गए क्या यार वहां पर? बेंग सलमानी, क्या हाल है भाई? हेलो, कैसे हो आप? हेलो भाई बेंग सलमानी, कैसे हो भाई आप? आप तो जैसे तैसे कट रही है अपनी, तो जैसे तैसे कट रही है, बिल्कुल कटनी भी चाहिए, अपनी भी यही हाल है यार। अपना भी कुछ ऐसा ही हाल है, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। तारिक भाई कहाँ हो? बाबा कहाँ हो? आर्यन कहाँ हो? फटाफट आ जाओ सब लोग। क्या हलचल भाई? हाल चाल बिल्कुल ठीक है सलमानी भाई, आप बताओ आपके क्या हाल चाल है? तुझसे कैसे हैं मेरे हालात, मजबूरियों के हाथ बिक गए मेरे। आ गया बाबा, अपना बाबा आ गया। होए होए, ऊपर लाइव में नहीं आए, बहुत दिन हो गए। हाँ यार, आप कहाँ बिजी रह रहे हो आजकल, ये बताओ आप। बाबा भेजा यार रिक्वेस्ट, आई क्या? ओ माय गॉड यार, पता नहीं क्या बाबा ये सिस्टम होता है ना, मेरे को समझ में नहीं आता यार इसका वाला, नौटंकी करता है यार ये। बाबा भेज दिए। हाँ बाबा आइए यहाँ, एक्सेप्ट करो यार, एक्सेप्ट नहीं होती है यार। आर्यन भी आ गया अपना, आर्यन आर्यन भेज तू भाई, मेरे नेटवर्क पे हो? बिल्कुल नेटवर्क पे हूँ बाबा।
हेलो आई एम भेज आर्यन, भेजो जल्दी से, एक्सेप्ट करूं मैं तुमको। बाबा आर्यन 3 दिन बाद आया है। बाबा लेवल ज्वाइन बता रहा है यार बाबा। इसको रोक लेना, ये दोस्त है हमारा, रोक लिया हमारे सैफ भाई। भाई ये शाहरुख खान के पंगे हैं, वो खतरनाक वाले, वो खतरनाक। अरे यार तब तो हमको गुस्सा आते होंगे मेरे। हाँ ये भाई हमारा शाहरुख खान के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। कम नहीं है अपने पास भी, इनका भी 2 मिनट का मौन। अरे इधर आ रहा। चलो भेड़ो यार कहीं पर ही। आर्यन पूछ रहा है कौन नौटंकी कर रहा है। हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है यार। यार फाइनली अशु भाई आपके साथ मुलाकात हो ही गई यार। दरअसल मैं बहुत कोशिश कर रहा था, मैं कहीं और जगह पे भाई था। हमारा भाई जिंदा कसम भाई, बढ़िया है सब, अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया है। आप सुनाओ, आप तगड़े लगे पड़े हो, तैयार लगे पड़े हो क्या? अरे हम तो बस यार थोड़ा बिजी चल रहे हैं। बाबा 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 हाँ ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। और यासीन भाई बताओ क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया चल रहा है भाई। पान बाहर सब बढ़िया चल रहा है। आर्यन पूछ रहा है बाबा पान बाहर यार। भाई आपकी आवाज पता नहीं क्लियर कीजिए नहीं आ रही है, जो भाई इनकी नॉइस बहुत आ रही है यार। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज कम आ रही है भाई की, जैसे इनके भाई के पास पता नहीं कहाँ है, नॉइस बहुत आ रही है। अब बाबा इसको मार्केट में है, मार्केट में। अच्छा मार्केट में है सही। अशु भाई अभी हाँ, हम आपका नाम असल नाम क्या, अशु है कुछ और है? अशु स्मूथ लिखा हुआ है, अशु स्मूथ खान। आशु 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 सही सही। मतलब आप भी भाई का जो जितने लोग देख रहे हो ना, ये भाई का बड़ा यूट्यूब चैनल है भाई, 2.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है भाई के। हम तो सोच रहे थे कोई, मतलब आप लोग सोच रहे हो कि हल्का फुल्का, भाई बड़ी खिलाड़ी बंदे हैं भाई। इस वक्त तो एक्चुअली क्या हुआ ना कि बीच में 1600 वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ गई अपने चैनल पर। 1600 वीडियो आपने डिलीट किए? 1600 वीडियो डिलीट किए मैंने। एक्चुअली वो आ गया था रियूज कॉन्टेंट। अच्छा अच्छा सही। रियूज कंटेंट की वजह से ऐसा हुआ, जिसके वजह से थोड़ा चैनल पे इफेक्ट है कि इंप्रेशन जो है वो डाउन हो गया है। तो लेकिन बहरहाल अच्छा, ऐसा तो सही तो बाद में कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं। हाँ इंप्रेशन सही बात है। नहीं भाई अभी अभी कुछ एक अपडेट भी आई है यूट्यूब की, जहां पर लॉन्ग वीडियो वायरल नहीं हो रही, अब शॉर्ट्स वायरल हो रहे हैं। अब भाई पहले जब हमारे लॉन्ग वीडियो पे 300-400 हजार व्यूज आते थे, अब उस जगह पर बस 3-4 व्यूज आ रहे हैं। फायदा कौन सा हो रहा है? कोई फायदा ही नहीं हो रहा अभी। एक्चुअली क्या है ना कि लॉन्ग वीडियो आपकी लाइफ टाइम की है। हाँ शॉर्ट्स वीडियो जो है वो ठीक है, वो चल रही है क्योंकि लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम भी डाल रहा है, फेसबुक भी कर रहे हैं, रील्स चला रहे हैं ना, तो इसलिए वो शॉर्ट्स ज्यादा वो हो रहा है। लेकिन मेन जो आपका है वो है जो समझ लो लॉन्ग वीडियो है। लॉन्ग वीडियो मेन चीज वही है और अक्सर करके। और भाई आप खुद इंडिया से हो ना? आप खुद इंडिया से हो ना? आवाज आपकी कट रही है भाई। यासीन भाई, यासीन भाई आप कहाँ से हो भाई? आर्यन भाई पूछ रहा है। भाई मैं हूँ पाकिस्तान से, पाकिस्तान सिंध से। अरे वाह यार, पाकिस्तान से बंदा है अपने साथ जुड़ा हुआ है लैंड पे यार। और भाई आप कहाँ से? इंडिया से? मैं इंडिया लखनऊ से हूँ, यूपी। अच्छा यूपी से, यूपी बिहार जिंदाबाद ऐसे। यूपी यूपी बिहार। हाँ मैंने यूपी बहुत सुना है, अक्सर फिल्मों में देखता रहता हूँ यूपी के नजारे वगैरह।
बहुत अभी यूपी का माहौल कैसा, ठंड बाटे नहीं है अभी? अरे जबरदस्त ठंडी भाई, कमाल की ठंडी पड़ रही। अच्छा ठंडी यहाँ पर भी बहुत है इस तरह से। हम अभी बैठे हैं अपने स्टूडियो में और सेटअप पहले ही लगा हुआ था, मैंने बोला भाई पता नहीं कब लाइव आएंगे, आपका वेटिंग कर रहे थे हम। नहीं एक्चुअली क्या थोड़ा काम में थे, बिजी चल रहे हैं, इसलिए अभी थोड़ा फ्री हुए तो हमने कहा ठीक है चलो अभी हो जाते हैं। क्या है बाबा ये सही क्या कर सही। रहे हवा? अभी अभी भाई सालार आई थी, सालार देखी आपने? अभी हाँ? सालार मूवी आई थी, सालार मूवी देखी आपने? सलार मूवी मुझे बहुत ही कमाल की लगी, जबरदस्त लगी मुझे, मेरी ओपिनियन है। अच्छा सालार और डंकी। डंकी यार एकदम थर्ड क्लास फिल्म है ये, मुझे लगी है थर्ड क्लास हाँ फिल्म है, एक डंकी नंबर की। बॉलीवुड इंडस्ट्री में पता है क्या है भाई, साउथ और बॉलीवुड में यही कॉम्बिनेशन है कि जब भी कोई मूवी आती है आप उस मूवी को आगे करते हो, ठीक है, मतलब उस मूवी की हाइप आप चढ़ा देते हो, जो वो डायरेक्टर होता है उसका दिमाग हट जाता है। अब राजकुमार ईरानी है, लाजिम नहीं है उसने पीके की तो मतलब सारी मूवी हिट ही देगा। अभी मुझे जब मैंने सालार देखी, मुझे सालार बहुत जबरदस्त मूवी लगी और मुझे प्राउड हुआ यश पे कि यश ने जिस टाइम केजीएम में काम किया था ना, उनका एक एक फ्रेम मतलब दिमाग में नहीं उतरा, मतलब काफी दिमाग में चढ़ गया है। मतलब जैसे आप कोई बीजीएम सुनोगे तो आपको यश का काम मतलब याद आएगा, और सालार भी अपने इम्पैक्ट से काफी जबरदस्त काम किया सालार का भी, और दोनों मूवी के कॉम्बिनेशन देखे तो काफी बढ़िया है। सलार तो मुझे बहुत पसंद आई, और डंकी इसलिए पसंद नहीं आई कि यार कि डंकी में जो आप एक्सपेक्टेशन रखते हो राजकुमार हिरानी से उसका हाँ वो नहीं 1% नहीं है, 1% भी नहीं है, क्योंकि एक ही सही। फ्रेम पे फिल्म चलती है, इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर पूरी फिल्म उसी पे बेस्ड है, और बीच में हाँ जो कहानियां दिखाई गई हैं वो जबरदस्ती बढ़ाई गई हैं, उसकी कोई जरूरत सही बात नहीं थी है। फिल्म, तो हाँ मुझे इतना इसलिए टाइमलाइन मतलब खिंचाई, बस फिल्म की खिंचाई आगे कर दी और कुछ भी नहीं था, कहानी का प्लॉट तो वहां पर ही खत्म होना चाहिए था जहां पर क्लाइमेक्स एंडिंग थी। अब बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल ज्यादा खिंचाई करने से एक तो ये टाइम वेस्ट होता है, ऊपर से ऑडियंस का पैसा भी बर्बाद होता है। जिस चीज अब जवान मैंने देखी थी ना, जवान यार मुझे इतना मतलब प्राउड हुआ था शाहरुख खान पे, पठान देखी थी तभी पैसा वसूल था मेरा। जवान फिल्म मुझे खुद पसंद आई, मैंने उसका रिव्यू भी किया था, बहुत ही कमाल की फिल्म मुझे लगी थी, स्पेशली विक्रम राठौर वाला कैरेक्टर जो है एसआरके का, बहुत वो जबरदस्त। था हाँ वो। अभी सलमान भाई की एक मूवी आई थी टाइगर 3, यकीन मानो टाइगर 3 का जो मतलब काम था, कॉम्बिनेशन था, बहुत ही बढ़िया था, और सलमान भाई की जो परफॉर्मेंस थी काफी बढ़िया थी, लेकिन ऑडियंस ने वैसा सपोर्ट नहीं दिया, तभी मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में डंडे गए। एक्चुअली क्या हुआ ना, हाँ टाइगर बोलो थ्री बोलो को आप। लेकर टाइगर थ्री के खिलाफ शुरू से निगेटिव लोगों ने बोला, ठीक है, हाँ लेकिन असली बात तो ये है कि टाइगर बहुत ही मास्टरपीस है, बहुत ही कमाल की मास्टरपीस। फिल्म है, हाँ वो तो सही बात है। उसके खिलाफ भी शुरू से बड़े बड़े यूट्यूबरों ने ये काम किया है, उसके खिलाफ हाँ गलत वो तो है। बोल बोल किए, बाकी और कोई रीजन नहीं है, लेकिन ये सलमान भाई का पावर है, ये सलमान खान का स्टारडम है, और सलमानिया का पावर है सही कि बात। सलमानिया हाँ ने वो सपोर्ट की, कि हाँ उसके बाद जाके ये हाँ फिल्म वर्ल्ड वाइड के आसपास आ गई, वरना हाँ ये वो लोग तो तो सोच रहे होंगे है। नहीं होगी। हाँ अभी क्या हुआ, रिसेंटली टाइम मैंने टाइगर 3 का रिव्यू देता इंस्टाग्राम पे, दो दो आए थे बंदे मेरे ख्याल से, दो ही थे, और दोनों ने मुझे पता है क्या बोला, मुझे बोला यार आप पाकिस्तान से हो ठीक है, आप मूवी पहली बात तो कहां से देखते हैं? भाई मैंने सीधी बात बोली, मैंने बोला यहां पर है जुगाड़, एक तो है जुगाड़, दूसरा है पायरेसी, ठीक है, हम करते हैं भाई, तुम्हारे को रिव्यू से मतलब है, तुम रिव्यू देखो। और दूसरा बंदा मेरे को बोलता है आप तो मुसलमान हो, आप सपोर्ट क्यों टाइगर कर रहे हो, क्योंकि सलमान खान की वजह से। मैंने बोला भाई वो बात नहीं है, बंदे का टैलेंट होता है, उसकी मतलब मेहनत होती है, हम उस वजह से उसको सपोर्ट करते हैं। अब लाजमी बिल्कुल नहीं है बिल्कुल कि ये बंदा वो हर किसी का अपना ओपिनियन होता है ना, हर किसी का माइंड सेट अपना होता है। देखो एक्चुअली क्या है ना कि धर्म और कास्ट को कभी बीच में लाना नहीं चाहिए, और ये सही बात लोगों की मेंटालिटी है, लोगों की सोच है, हाँ किसी धर्म में किसी मजहब में ये नहीं लिखा है कि इंसान से नफरत करो आप, ठीक है, सही किसी बात है, उसमें कुछ नहीं इंसान लिखा हुआ, सही सबसे बात है। मोहब्बत करो, सब सब एक है, बस जानने वाला लोगों के दिमाग में अलग अलग चीजें हैं, बाकी हैं सब एक। तो हाँ मेरे वो चैनल तो पे है। जो ऐसे लोग, मैं उनको फौरन ब्लॉक कर देता हूँ, मैं ऐसे लोगों को नहीं हाँ सही है रहता, भाई। वो हिंदू हाँ अब मुस्लिम वाला भाई चलेगा, मैं नहीं मानता मैं खुद नहीं, भी आपकी और तरह एक हाँ मैं खुद भी किसी आपकी तरह के एक मूवी रिवायर हूँ, मूवी अपडेटर हूँ, और मेरा खुद का चैनल है, आपने शायद पता नहीं देखा हो, नहीं देखा हो, द यासिन रिव्यू के नाम से चैनल है भाई। मैंने यूट्यूब पे बहुत टाइम दिया है, बहुत टाइम दिया है, मतलब 7-8 साल मैंने अपने बचपन की जो टाइम था ना, बच्चे खेल कूद हाँ में लगे होते थे, मैंने यूट्यूब को टाइम दिया है। अच्छा अब
उधर मेरे को पता है कि भाई कौन सी मूवी किस फेम में है। और कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया सब बढ़िया, तुम बताओ। कि भाई एक रिक्वेस्ट है, सिगरेट को थोड़ा साइड में रखिए क्योंकि ये यूट्यूब पे मैं डालूंगा वीडियो, ठीक है? पक्का पक्का पक्का, क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है ना कि वो दिखाने के लिए, क्योंकि यूट्यूब पे डलेगी ये वीडियो। और भाई क्या हाल चाल है? सभी बढ़िया सभी बढ़िया सब बढ़िया, आप कैसे हो? मजा ले, ये हमारे अक्की भाई हैं, यासिन भाई, ये हमारे अक्की भाई हैं। और अच्छा, नमस्ते भाई। नमस्ते भाई, क्या हाल चाल है, ठीक हो? सब बढ़िया, आप बताओ? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, सब बढ़िया लगा बड़ा के। ओके ओके ओके, पाकिस्तान से है? पाकिस्तान से, अरे वाह, पाकिस्तान से। अच्छा, पड़ोसी हैं हम, पड़ोसी पड़ोसी है हम। अच्छा लगा, वही वही भाईचारा बने रहे अपना। हाँ, भाईचारा बन रहा है, देखो। वही वही वही, हम लोग सलमान खान के फैन हैं, हम लोग सबको एक साथ लेके चलने वाले लोग, अपना दिल। हाँ, वो तो है। किसी एक पर्सन अगर कोई गलत चीज बात करता है तो फौरन ब्लॉक, ऐसे लोग नहीं। आशु भाई, प्यार बांटने। हाँ, ये क्या करो, मुझे ना दो मिनट के लिए साइड कर दो। भाई ने मैसेज किया अभी, ज्वाइन करता हूँ। यासीन भाई, 5 सब्सक्राइबर डन, इसका मतलब क्या है? ओके की भाई, ओके ओके ओके। भाई मैंने बोला ये भाई ने भी पता नहीं क्या है, बिन आर्यन पता नहीं क्या नाम है, इसने मैसेज किया है, यासीन भाई 5 सब्सक्राइबर डन, इसका मतलब? मतलब आपको उन्होंने फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया है भाई, हमारे ये बहुत प्यारे भाई हैं आर्यन भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, सही, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं और नटखट भाई। अच्छा, नटखट भाई, ऐसे ना नटखट का काम देता बात। हाँ भाई, अच्छा एक बात बताओ यार। हाँ बोलो यार। भाई कुछ लोग हैं जो YouTube पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं आपकी तरह मेरी तरह, लेकिन देखो भाई बहुत सारे लोग हैं जिनकी ख्वाहिश है कि वो यूट्यूबर बने, कोई कैसे कैटेगरी में। अब जरा आप उनको मोटिवेट के लिए कुछ बोलोगे ताकि ये वीडियो में अपलोड करूं, वो कुछ देख सके? देखो एक्चुअली क्या है ना कि आपको अगर YouTube पे काम करना है तो आपको पर डे प्रॉपर पर काम करना है। हाँ, एक दिन, दो दिन, चार दिन, 3 दिन, 100, ऐसे नहीं करना है। ये हाँ, सोच करना है, और फिर जब काम हाँ, करना है तो फिर ये देखना है कि व्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। एक्चुअली हाँ, वो बात है। एक्चुअली होता है कि आदमी 2, 4, 10, 20, 25 वीडियो डालने के बाद ना ये सोचता है कि यार मेरे व्यूज नहीं आ रहे हैं, मेरे पे ये नहीं हो रहा है, छोड़ो यार बकवास है। इस पे पेशेंस बहुत चाहिए। जी जी, मतलब पेशेंस जिसने रखा है वही कामयाब हुआ यूट्यूब पर। हाँ, वो तो है। और 100% मेहनत आपकी बेकार नहीं होगी, वो हाँ, जैसे प्रॉपर आने वाले कल में आप इससे लोग जुड़ेंगे। और हाँ, यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, ये सब चीज देखते हैं कि कौन बंदा कंटिन्यू, जब आप लगे रहोगे ना तो वो सपोर्ट करेंगे, वो हाँ, वो तो है। कंटिन्यू लगा है, ये काम कर रहा है ऐसा। अब बहुत लोग क्या होते हैं ना, 25, 50, 100 वीडियो डालने के बाद बंद कर देते हैं चैनल, क्योंकि लग जाते हैं, उनको लगता है मुझसे नहीं। लेकिन ऐसा सही बात है, इंसान कर सकता है। और एक वीडियो, आपकी एक वीडियो वो कौन सी होगी आपको खुद नहीं। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। वो आपकी एक वीडियो कभी इतना जबरदस्त रिस्पांस देगी ना कि आपका चैनल बना देगी। हाँ, वो तो है, ये जान लो आप ये हाँ, आपको खुद नहीं पता कौन सी वीडियो मेरी चलने वाली है, लेकिन अगर हाँ, वो तो चल गई तो चल गई। सही बात है, व्यूज हर एक चीज आपको हर चीज दे देगी, वो अकेली वीडियो, अकेली वीडियो। जी हाँ, बिल्कुल। अब भाई क्या हो रहा है, मैं बताऊं आपको, मेरी खुद का चैनल की बताऊं आपको क्या हुआ था। अभी देखो ना, अभी मेरा जो चैनल है वो तो अभी मैं दरअसल खुद मेहनत नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही कम बचता है, बहुत ही कम। मैं सोच रहा हूं मैं ब्रॉडकास्ट का भी चैनल बनाऊं, ये वगैरह। अब क्या हुआ, मेरा द यासीन रिव्यू चैनल है, उस पर मैंने गदर का टीजर आया था, गदर 2 का टीजर, आपको याद होगा। तो उसका मैंने क्या किया था, टीजर का जो सिनेमा क्लिप होता है उसको मैंने ऐसे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, और अपलोड करने के बाद ही फौरन उस पे तकरीबन 3 मंथ के अंदर 1 लाख से ज्यादा व्यूज हो गए, अच्छे खासे सब्सक्राइबर मिल गए, मोनेटाइज भी अच्छा खासा पूरा होने लगा। मतलब ये होता है ना कि पता चलता नहीं कि कौन सी वीडियो वायरल होती है, बस मेहनत पे होता है, कंटिन्यू रखो और हिम्मत ना हारो। देखो
सबसे बड़ी चीज, कोई भी रम इंसान से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, जो सही लड़े वही जीतेगा, लड़े वही जीतेगा, वही बात है ना। सही है। अब भाई अभी एक और आपसे हाँ बात करें, देखा है यूट्यूब आसान नहीं है, यूट्यूब आसान नहीं है, जी हाँ बिल्कुल, लेकिन मेहनत चाहिए आपको, मेहनत चाहिए, जी हाँ चाहिए, उसपे प्रॉपर तरीके से चाहिए और कुछ प्रॉपर, हाँ वो तो है ना, आपको करना है उसके अंदर। देखो कंपटीशन का वो थ्री इडियट का डायलॉग है ना, हाँ। लाइफ के भागोगे नहीं तो लोग तुम्हें कुचल के आगे बढ़ जाएंगे, हाँ वो तो है, है और उसमें आपको बनाना है, अपने आप को मेंटेन करना है, तो फिर आप हाँ, वो कुछ और सही बात है, टहल रहे हैं आप, हम खाना खा के जरा टहल रहे थे भाई कि भाई खाना ना हो गया जल्दी, बहुत हो गया ना, तो 12-11 बज जाता है मेरा यार, अरे यार भूख लग गई थी आज, दोपहर को थोड़ा सा कम खाया था इसलिए चलो बोला जल्दी खा लेते आज। और पाकिस्तान में क्या चल रहा है फिर अभी फिलहाल? पाकिस्तान में तो अभी तकरीबन क्या कहते हैं, क्रीम में चल रही है मेरी पाकिस्तान में सब बढ़िया चल रहा है। और भाई आशु भाई आपसे एक और बात पूछनी थी, अभी अक्सर अभी मैं आपको बताऊं काफी सारे यूट्यूबरों का सवाल है कि भाई अभी उनके लिटरली आपको मैं दिखाऊंगा, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हुए भाई, बंदे के 5 सब्सक्राइबर नहीं हुए, मोनेटाइज पूरा नहीं हुआ, और वो बात करता है अर्निंग की, भाई अर्निंग कितनी है? अब जरा आप ये भी बता दो कि भाई आप जो काफी यूट्यूबर होते हैं ना बोलते हैं यार हम नहीं बता सकते, अभी काफी एक यूट्यूबर था उससे मैं एक इवेंट पे गया था, वहां पर मैं उससे मिला, मैंने बोला भाई काफी लोग पूछते हैं अर्निंग कितनी होती है, तो वो क्या बोल रहा है पता है, ये अर्निंग इतनी होती है कि मैं चाहूं ना तो 3-4 मर्सिडीज का बैग खरीद सकता हूँ। मैंने बोला इतना पैसा था तुम घर में जाके बैठो यूट्यूब पर, यहाँ निकलो ही नहीं तुम बाहर, इतना पैसा है तुम्हारे पास, फिर भाई अब आप बताओ अर्निंग कितनी है यूट्यूब पे? देखो एक्चुअली क्या होता है ना, सारा परफॉर्मेंस आपकी वीडियो पे होता है, हाँ वो तो ये जान लो कि एक वीडियो आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर गई, हाँ से तो आप हाँ भी नहीं सकते उतना जबरदस्त पैसा वो दे सकती है अकेली तनहा वीडियो, हाँ सही बात है। अब भाई आप हमें ये बताओ कि आपकी जो YouTube की अर्निंग है वो मंथली आती है या ईयरली आती है या वो वीकली आती है, जरा ये भी भाई व्यूअर को पता चलना चाहिए कि मोटिवेट के लिए। जी सिस्टम है YouTube पे आप हाँ। पेमेंट 21 से 26 तारीख के बीच में ऑटोमेटिक आ जाती है। अच्छा नहीं आपको कितनी मिलती होगी मंथली, कितनी मिलती होगी अंदाजा? देखो एक्चुअली क्या है कि अपनी इनकम हम बता नहीं सकते क्योंकि YouTube पे ये डालना है, बात समझ रहे हो? अच्छा अच्छा सर, कुछ सही 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 कुछ गाइडलाइंस YouTube के, लेकिन इतना है कि आप इतना समझ लो कि आप जब चैनल बनाओगे और YT स्टूडियो आपका जब बनेगा, YT स्टूडियो में ये रेशियो बता देता है कि ये वीडियो का परफॉर्मेंस पे कितना आपको मिलेगा, वो बता देगा। सही सही। और फिर जैसी परफॉर्मेंस आपकी महीने की होगी पूरे वीडियो की, ऑल वीडियो की, तो व्यूज के हिसाब से डॉलर बनेगा। अच्छा अब आप हमें ये बता दें कि मतलब डॉलर जो है, ठीक है, आपका मंथली कितना डॉलर बनता है और आपको मतलब कितने डॉलर में विड्रा मिलता है? देखो कम से कम मैं ये नहीं बता सकता मेरा कितना होगा, लेकिन इतना बता सकता हूँ कम से कम उसमें $100 होने चाहिए, $100 होने चाहिए कम से कम, सही चाहिए तो ही पेमेंट रिलीज होती है। अगर किसी हाँ यार यही अगर किसी यही बात में अगर लाइट चली गई, अगर किसी बंदे का मान लो ऐसा हो जाए कि उसका 99% है, हाँ हाँ 99 रुपीज हुआ है तो वो नेक्स्ट मंथ में काउंट हो जाएगा, हाँ वो तो है, ठीक है वो पैसा रुकेगा नहीं आपका, पैसा आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, 100% हाँ, मिलेगा जी हाँ। और भाई आपने अभी तक मेरे ख्याल से 2.5 लाख से ऊपर आपके सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, ठीक है, और आपको मतलब स्पॉन्सरशिप के ऑफर आए हैं अभी तक? बहुत आते हैं यार, मैं इस पर बहुत बिजी चल रहा हूँ इसलिए लेता नहीं हूँ कोई चीज, अक्की भाई कौन लेगा आज का जमाना खराब है, सही है सही है, हम अपने में मस्त है फिलहाल। स्पॉन्सरशिप वाले में होता क्या है ना कि आपको मेल कर दिया और मेल कर दिया आपको लिंक सेंड कर दी, अब वो लिंक जो है वो सही है कि गलत है आपको क्या पता, आप जल्दी जल्दी में उसको एक्सेप्ट कर लिए, हाँ सही बात,
हाँ समझ रहा हूँ। अब वो लिंक हो सकता है वो ऐसी लिंक हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। हाँ सही बात है, इसलिए उसमें प्रॉपर तरीके से माइंड लगा के ही काम करना है, क्योंकि बहुत लोग हाँ माइंड लगा के ताकि उसमें फ्लेक्सिबल काम करना है कि आगे जाके सिक्योरिटी में भी गाइडलाइंस होते हैं काफी वगैरह, कि काफी हैकर भी होते हैं आजकल के टाइम में जो यूट्यूब चैनल ही उड़ा देते हैं पता ही नहीं चलता एक क्लिक के साथ। एक्चुअली होता क्या है ना कि उसमें आपको बोलेंगे मैं आपको इतना डॉलर पे करूंगा, आप मेरा ये ऐड कर दो, इतना पे करूंगा, आदमी फटाक से कर लेता है, ठीक है कर लेता है जी। जिसे उसे करता है ना तो वो फौरन जो है हैंग हो जाता है। हाँ वो तो है फौरन, इसीलिए गूगल कई बार आप जब सिक्योरिटी होगा ना गूगल बता देता है खुद कि ये साइट सही नहीं है। हाँ वो तो ऐसा होता है भाई, लेकिन इसमें जो है बहुत ही सोचकर समझकर ही कदम आप भी यूट्यूब पे हर एक चीज को रखना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब बहुत ही स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि आप गलत चीजों को बिल्कुल नहीं कर सकते। आप एक हल्का सा ब्लड भी दिखा दो तो वो भी कॉपीराइट और स्ट्राइक पे आ जाता है, इसलिए बहुत चीज यूट्यूब में ये चीज अच्छी भी है कि उसमें गंदगी नहीं है। हाँ गंदगी नहीं है ये अच्छा मेरे हिसाब से, क्योंकि और प्लेटफॉर्म जो है आप फेसबुक देख लो ठीक है, वहां पर भी कुछ गंदगी वाली चीजें हैं वल्गर सीन है, क्योंकि हम फैमिली के साथ फेसबुक हो गया ना, फेसबुक हो गया आपका, ये ट्विटर हो गया, ये सब जो है ना गंदगी गटर है, गटर आप समझ रहे हो ये गटर है। आप सही बात इसके है तो आपको बैड लैंग्वेजेस ही मिलेंगी, गलत चीजें ही मिलेंगी, अच्छी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। यूट्यूब एक ऐसा है जिसमें आप कुछ गलत करेंगे ऑन द स्पॉट आपके ऊपर फौरन आ जाएगा, फौरन आपको इतनी मस्ती होती है अच्छी भाई हमारे जो बगल में खड़े हैं अच्छी भाई सही बात है भाई। आजकल थोड़ा जल्दी से जाते वरना रहते हैं कभी कभी, लेकिन रात में बड़ी मजा आती है समझ रहे हो, लेकिन यूट्यूब आपको काम बेस्ट है प्रॉपर तरीके से रहना है और कंटिन्यू कोई ना कोई कंटेंट देना है, खुद देना है और फिर देखो क्या होने वाला जबरदस्त हो तो है। अब भाई अभी आप कुछ यूट्यूबर्स को जानते भी होंगे जो कि एक मूवी रिवायर होते हैं ठीक है, अब जिनमें से मैं आपको तीन चार का नाम बताऊं आप उनको जानते हैं। सबसे पहले हमारे लिस्ट के काउंटडाउन में आते हैं सूरज कुमार रिव्यू, आप जानते हैं उन्हें गरज कुमार उसको गरज कुमार एक बार रोस्टिंग हुई है उसके साथ मेरी कई बार अच्छा है। अक्की भाई अच्छा सेकंड जानते हो हाँ सेकंड आता है अक्की भाई जानते हो ना और सेकंड है हमारे दीपक बुरहानी चर्चा विद बुरहानी इसको नहीं जानता मैं इसको नहीं जानता। अच्छा थर्ड है अपने शुभम कुमार ओ उसी का भाई है सूरज का भाई है हाँ सूरज का भाई है और अच्छा और दो अनाउन दो नाम है वो यूट्यूबर भी काफी बड़े हैं उनके उनके एक का फॉलोवर जो है दोनों के फॉलोवर आपके बराबर है ठीक है, एक का नाम है फिल्मी मौज उसको भी जानता हूँ अच्छा एंड सेकंड है वो अपने पाकिस्तान का है एंड पाकिस्तान का होकर भी उसके जो ऑडियंस है वो इंडिया में काफी बहुत है, उनका नाम है BHT रिव्यू सुना है हाँ जानता हूँ सुना है नाम सुना है शेरियार मलिक उनका ओरिजिनल नाम शेरियार मलिक है और मेरे हिसाब से क्योंकि यार पाकिस्तानी हिसाब से वो अच्छा खासा डॉलर अर्न करते हैं और उनसे भी मेरा इंटरव्यू हो चुका है जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है एंड वो मतलब काफी जबरदस्त बंदे हैं एंड उसके अलावा सूरज भाई के भाई से भी मेरी बात हो चुकी है इंस्टाग्राम पे बहुत बार, जब भी वो लाइव आते हैं इनवाइट भेजते हैं तो शुभम भाई रोस्टिंग में शुभम भाई का कोई मुकाबला नहीं है, सूरज से भी दो कदम आगे हैं कहते हैं ना भाई भाई उसका भाई भाई। बता दो शुभम शुभम की बात हो या सूरज को, सूरज को मैंने बहुत पहले जब मैं यूट्यूब पे नया नया चैनल बनाया था ना फर्स्ट टाइम तो सही तो आमिर अंसारी एंड केआरके और फिल्मी मौज फिल्मी इंडियन दिशा शर्मा ठीक है ये चार लोगों के लिए वीडियो स्पेशली बनाई थी अच्छा। मुझे ये लोग पसंद थे लेकिन कि बाद में इन्होंने गंदगी फैलाना स्टार्ट कर दी। हाँ हाँ तो मेरे लिए सिर्फ एक ही भाई है क्या हो रहा है मेरा भाई आमिर बस एक कौन सा जैसे आमिर अंसारी जो है
उसके अंदर एक अच्छाई, किसी की बुराई नहीं करता, वो उसकी स्पेशलिटी यार, नहीं करता। यार अब आमिर अंसारी मुझे नहीं पता कौन है आमिर अंसारी, मेरे ख्याल से एक तो बड़े दाढ़ी वाला है शायद, वो तो नहीं है दाढ़ी वाला है, थोड़ा सा मोटू है, कैप पहनता है, उसको चश्मा भी लगाता है, चश्मा भी लगाता है, वही वही। तो वो बंदा ठीक है कि वो बारे में गलत नहीं बोलता, ना हेट फैलाता, ना कुछ करता है, लेकिन ये बाद में सूरज और उसका जो भाई का नाम तो मैं लेना ही नहीं चाहता, मेरे मुंह से फालतू बात निकलेगी उसको लेकर मेरे मुंह से, और कई बार मैं सही बात चुका हूँ, वीडियो में उसको बना भी चुका हूँ मैं। एक्चुअली क्या ये लोग, आप चाहे सनी देओल की बुराई करो, आप चाहे अक्षय कुमार की बुराई करो, या सलमान की करो, या शाहरुख की करो, अजय देवगन किसी की करो, ये सुपरस्टार है, ठीक है। अशोक भाई 12 बजे मिलते हैं, क्या हुआ कि भाई 12 बजे मिलते हैं, 12 बजे ओके ओके अक्की भाई ओके, कॉल आया कॉल डाला, ठीक है, गुड नाइट, केयर, गुड नाइट, चलो भाई। तो भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लोग जो है ना गलत गलत प्रमोट करते हैं, मतलब आप किसी स्टार को बोल, हाँ, वो बड़ा कर रहा है, हाँ, वो चाहे अक्षय हो, अजय हो, कोई भी हो, आप जो जज कर रहे हो ना वो तरीके से कर रहे हो, ये चीजें मुझे पसंद नहीं है। मेरे यूट्यूबर जितने भी मेरे हैं, मेरे अपने हैं, हाँ, सही बात है, मैं जब रहता हूँ ना तो आप देखो कितने भाई मेरे रहते हैं जो मेरे लिए खड़े हैं, क्योंकि सही मैं बात है, बिल्कुल वीडियो नहीं बनाता, सिंपल सी बात है, तुम हाँ, मेरा सब्सक्राइब करो, तिल हाँ, लेने चले जाओ, मैं साथ, मुझे नहीं चाहिए गंदगी, हाँ, नहीं चाहिए, मैं पैसा वाली बात करनी है और गंदगी वाली बात बिल्कुल नहीं करनी है, आप बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, आप किसी के अगेंस्ट बोलोगे वीडियो हमेशा सही बात है, वो कोई भी एक्टर हो, हाँ, मेरे सपोर्ट जो मैंने बनाई, सनी पाजी का, हाँ, मैंने सपोर्ट भाई, अभी मेरा 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 जो फेवरेट है ना यूट्यूबर, ठीक है, उसका मैं बताऊं, क्योंकि यार उसका जो बोलने का तरीका है, एंड उसके सिर्फ दो ही काम है, पहला काम ये है कि वो आता है, ठीक है, अपना मूवी का रिव्यू करके चला जाता है, ना कुछ हेट ना कुछ। अब वो है योगी रोकड़े, आपने उनका देखा होगा, योगी बोलता है, चैनल नाम सुना है उनका, चैनल देखोगे, मतलब जबरदस्त बंदा है, वो आते हैं और बोलते हैं हेलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी, यार उनके डायलॉग है उनमें पता चलता है बंदा मतलब पूरे पैसा वसूल है, और जैसे ही आते हैं भाई बिल्कुल मूवी का रिव्यू करते हैं, मूवी को उस टाइम से समझाते हैं, ना हेट ना एक्टर के नाम पे कुछ ना कुछ, बस काम से काम, और यही मेरे हिसाब से एक परफेक्टेबल रिव्यूअर की मतलब निशानी है, और आमिर भाई भी ऐसे ही है मेरे ख्याल से, मैंने उनके कुछ रिव्यू देखे हैं, एंड उन फिल्मी इंडियन जो है, जैसे तुमने नाम लिया सूरज के भाई का, ये बंदा शुभम का, ये बंदा मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं जानता हूँ अच्छे से, मैं नाम उसका नहीं लेना चाहता, हाँ, है, उस, सही बात है, सही बात वो जिस हिसाब से लोगों को स्टार को जज करता है, बोलता है ना, उसके जैसे हाँ, कई लाख घर के बाहर खड़े होते हैं भीख मांगने के लिए जिसके बारे में वो बोल रहा है, हाँ वो तो, हाँ सही बात है, करता है, मतलब आप रोस्टिंग एक लिमिट तक अच्छी होती है, और ये लिमिट क्रॉस करता है, लिमिट क्रॉस करता है, अब सब यार सलमान खान को देखो, तुम शाहरुख खान को जज, अक्षय को जज करो, तुम सनी को, तुम होते कौन हो बे, तुम होते कौन हो जज, सही बात है, तुम सिर्फ सही बात है, वाकई इतना बोल सकते हो भाई मुझे फिल्म पसंद नहीं आई, बात खत्म, बात खत्म, बस वही बात है ना, ये आप मर्जी, आप देखिए चाहे ना देखिए, हो सकता है जो मुझे अच्छी नहीं लगे लगे, मुझे पसंद नहीं, आप दूसरों को, सही बात है, ये चीज होती है, अभी भाई उड़ाई ये चीज, हाँ, अभी मैं आपको बताऊं क्या है आजकल का सीन, देखो यार पहली बात ऑडियंस भी आजकल उन्हें सपोर्ट करती है जिनको करने की, क्योंकि अभी देखो इनका जब भी रिव्यू आई है लाखों लाखों में व्यूज आते हैं, आपने खुद देखा होगा, और इन्हें सपोर्ट करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल, देखो आजकल एक्चुअली टाइम क्या है ना कि आजकल जो चीजें चल रही हैं वो बिल्कुल उल्टी चल रही हैं, उल्टी चल रही है जी, हाँ, पसंद करने वाली हैं वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, जो चीजों में गंदगी गलत चीज दिखाई जा रही है वो चीजें लोग इंटरेस्ट से देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, यही बात है, हाँ मिलता है, बट अपने हाँ, चैनल पे भाई
है, व्यूज आएंगे नहीं आएंगे कुछ भी होगा, लेकिन अपने को राइट तरीके से रहना है, यही काम अपना है। अशोक भाई अब मेरा चैनल है ना द यासीन रिव्यू, ठीक है, अब मेरा चैनल मैंने बताया द यासीन रिव्यू है। अब उधर जो है भाई देखो मैं व्यूज को देखता नहीं हूँ, मैं ऑडियंस को देखता हूँ, ठीक है भाई, मुझे एक भी कमेंट आता है ना मैं उनको पढ़ता हूँ अच्छी तरह से। अब काफी लोग होते हैं यार, काफी मानता हूँ हमसे भी गलती हुई थी, काफी लोग हम छूट जाते हैं, हम उन्हें रिप्लाई नहीं दे पाते क्योंकि यार इंस्टाग्राम पे बहुत सारे भाई लोग होते हैं। अब भाइयों को रिप्लाई दे देते हम तो थक जाते हैं, लेकिन भाई नहीं थकते, अब इतने सारे भाइयों को कौन फेस करे। मैं अपनी बात बताऊं, मेरी हिस्ट्री है, आप मेरे चैनल पे यूट्यूब पर 200 400 भी मैसेज है, मैं सबका रिप्लाई एक एक करके देता हूँ आज भी। सही, अच्छा सही, मेरा रुकता नहीं है, 400 500 मैसेज का कंटिन्यू रिप्लाई देता हूँ डे पर डे, कम पर डे कम से कम 800 900 मैसेज का रिप्लाई मैं करता हूँ पर डे। सही सही, और अब पर डे ये भी बता कम से कम कुछ नहीं तो 50 60 लोगों को ब्लॉक कर देता हूँ। ये तो बड़ी बात है, ये मतलब पर डे बड़ी बात आपने बता दी। ब्लॉक इसलिए करता हूँ ना, मुझे पसंद नहीं आता ना, मैं उसको दिल दिमाग कहीं रखता, ये नहीं सोचता कि वो मुझे व्यूज दे रहा है तो मुझे चाहिए, नहीं नहीं तू निकल भाई, तू निकल ले, व्यूज तेरा नहीं चाहिए, हाँ, हाँ, हो जा। हाँ सही बात, बिल्कुल हाँ। अभी तक कुछ नहीं, 4-5 हजार लोग ब्लॉक हो चुके हैं, 4-5 हजार लोग को ब्लॉक है, तो अपने को साफ मोहब्बत बांटने के लिए चैनल खोला है, मैं लड़ाई नहीं चाहता, मोहब्बत चाहता, बस वैसे भी दुनिया में वो तो एक चाहिए। हाँ, अभी सलमान भाई की कौन सी अपकमिंग मूवीज आ रही है? सलमान भाई की इस टाइम आ रही है द बुल पहली है, हाँ, और इस वक्त हाँ, आ रहा है बब्बर शाह आ रही है जो कबीर खान के साथ है, और और सलमान खान भाई देखो ना, अब मैं बताऊँ आपको, अब द बुल जो मूवी है ठीक है, अब वो तो उसका टाइटल दूसरा है फिलहाल बताया जा रहा है, लेकिन भाई सलमान भाई वो एक्टर है, मैं आपको बताऊँ अगर वो उनकी मूवी फ्लॉप भी हो जाए ना तब भी आराम से अपने बजट का 100-200 करोड़ कर देती है, क्योंकि भाई उनके फैंस जो है वो बिल्कुल मतलब एक नंबर के संख्या होते हैं, और भाई उनको इतना पसंद करते हैं, और भाई करना भी चाहिए क्योंकि ऐसे जो एक्टर हैं, अब सलमान भाई की आप उन पुरानी मूवीज को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वो कौन से एक्टर है। एक्चुअली क्या है ना, सलमान खान को वही समझ सकता है ना जिसका दिल सॉफ्ट होगा, वो बंदे को आप एक्टिंग से, उस बंदे कि हर एक चीज देखो आप, समझ रहे हो? हाँ वो तो है, सही बात, लोगों की मदद करनी है, कभी आज तक ने मुंह से नहीं बोला है, आके बोले हैं, ठीक है, माँ बाप की इज्जत करनी हो कोई उनसे सीखे, ठीक है, हाँ वो तो है, भाई बहनों को लेके चलना हो कोई उनसे सीखे, दोस्त यारों के लिए सपोर्ट करना उनसे कोई सीखे, एक चीज में नहीं जज करो, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं पाया, ठीक है, वो तो है। अब भाई अशोक भाई आप YouTube पे देखो ना मेरी बात सुनो, आप YouTube पे कुछ और लगते हो, और Instagram पे आप बिल्कुल एक पाकिस्तान का ब्लॉगर है डक्की भाई, उसका आपको फेस लगता है बिल्कुल, आपका जो मतलब बोलने का तरीका है, जो आपका फेस है माशाल्लाह, आप बिल्कुल डक्की भाई की कॉपी लगते हो, डक्की भाई को पता नहीं जानते हो, पता नहीं, नहीं मैं नहीं जानता उनके बारे में, बट एक चीज है, आप चीज क्या है, आपका दिल साफ है तो आपके चेहरे पे वो अच्छाई दिखाएगी, ठीक है, दिल में गंदगी है तो फिर यार क्या करोगे, उसके लिए कोई इलाज, सही बात है बिल्कुल, और अपना चैनल क्या है कि अपने को हर एक लोगों को जोड़ना है ना कि वो तो है, क्योंकि दुनिया में वैसे भी बहुत से बवाल चल रहे हैं, बवाल चल रहे हैं, सही बात है, लोग प्यार से जुड़े हैं वो अच्छा है, वो हर एक धर्म एक मजहब अच्छी चीज सिखाता है, लोग अपनी सही बात है अपनी किताब पढ़ लें तो जिंदगी में लड़ाई कभी नहीं, हाँ वो तो है, कोई अपनी अपनी किताब पढ़ लें लेकिन गलत तरीके से उसको बताकर उसमें, तो अपने को इसीलिए, और जो लोग गलत बोलेगा उसके खिलाफ आशु बोलने को तैयार है हमेशा, मेरा चैनल रेडी रहता है, जब मेरी वीडियो बनेगी और भाई आप क्या फर्क नहीं पड़ता मुझे भाई, बात सुने, अब हम क्या करेंगे यूट्यूब पे, हम कोशिश आप भी करना मैं भी करूंगा, अब एक पॉडकास्ट बनाएंगे हम, डेली लाइव आने की कोशिश करेंगे, जहां पर ऑडियंस से मिल सके और ऑडियंस से बातचीत कर सके, उनके सवालों का जवाब दे सके, आप कोशिश करना, आप लाइव आ सको तो बेहतर है,
मैं भी थोड़ा दिन थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, फ्री होता हूँ तो फिर उसके लिए फिर कंटिन्यू काम करेंगे। वो तो आपका इतना मैसेज आया, देखो यार किसी का दिल नहीं तोड़ता, सही बात है बिल्कुल। यही एक आदत है, स्पेशलिटी अच्छाई है चाहे हाँ बुराई, लेकिन मैं किसी का नहीं तोड़ता। मेरे पास अगर किसी सही, का मैसेज आ गया तो मैं उसका रिप्लाई हाँ करता हूँ। और है बहुत बड़ा रीजन है, रीजन ये है कि जब मैं नया नया चैनल खोला था ना, तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है वो हाँ बोलते हैं कि यहाँ पे मुझे आइए मैसेज कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा, लोग बोलते हैं ना। तो उस टाइम जब मैंने चैनल खोला हाँ था, मुझे चैनल पे क्या क्या होता है, कैसे क्या बनता है, कैसे क्या चैनल पे सेटिंग होती है, मुझे नहीं पता था। तो मैंने उन लोगों को मैसेज किया, बड़े बड़े सही सही, यूट्यूबर्स, उनने हाँ आज तक जवाब नहीं दिया है, आज तक। हाँ हाँ इतनी बात वो हर्ट हुई थी कि यार आप बोल रहे हो कि इंस्टाग्राम पे आओ मैसेज करो, मैं जवाब दूं, आज तक जवाब नहीं दिया है। इसीलिए मैं हाँ अपने का चैनल बनाऊंगा ना, तो मैं किसी ऐसा बंदा नहीं हुआ जिसका मैं रिप्लाई ना करूं। सही बात है। अभी क्या भाई ये आपकी जो मुझे बात है ना, मुझे बहुत ज्यादा मतलब पसंद आई, क्योंकि आप एक कहते हैं ना अच्छे मिजाज के बंदे हो। आप बोल भी सकते थे यार मैं आपको नहीं दूंगा टाइम, पर आपने इनडायरेक्टली, मैं झूठी बोल, यूट्यूबर से मिला हूँ, काफी बार से मेरी बातचीत होगी, लेकिन भाई आप सबसे अलग लगे। मैं आपको सबसे पहले सबके सामने थैंक यू बोलना चाहता हूँ नहीं, कि आपने मेरा टाइम दिया एंड आगे भी टाइम देते रहोगे। एंड उसके अलावा अभी एक भाई का मैसेज आया है तारिक हुसैन का, क्या भाई आप परदेश को फ्लॉप बोलते हो, आपको म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी लेके जाएगी। हमारे बहुत भाई हैं, बहुत खास हैं हमारे, वो लाइव भी मेरे साथ हाँ जुड़ते हैं, ठीक है। वो मेरा अच्छा उनका सलमान अच्छा टाइप मोहब्बत वाली चलती रहती है, सलमान शाहरुख वाली, तो सही उनकी। बहरहाल मैं एक चीज हाँ बताता हूँ कि मेरे हाँ कोई भी आदमी है, लड़का बच्चा भाई कोई भी काम सही कर रहा सही है और वो कह रहा है कि हाँ मैं कर रहा हूँ और मुझसे जो बनेगा मैं उसके लिए खड़ा हूँ, मैं तो चाहता हूँ यार सब काम करे, सब बेहतरीन तरीके से काम करे, सबका काम चले यार। जेल सही से बात 1% नहीं, सही जमीन से आया बात ही चला है। जाऊंगा, हाँ यही सोच के चला, ठीक है। ये यही जमीन बात है, यही बात है आजकल के दौर में। लोग ये भूल गए कि भाई जहां से आए हो वहीं वापसी जाओगे, तुम क्या खुद के पास लेके आओ, जिंदगी यही बात मतलब लोगों के पास। लाइफ एक ऐसी चीज है कि जाने के बाद कोई 2 पल आपको प्यार से याद करे, ये बेस्ट है, ये ये बेस्ट है। बेस्ट है जी हाँ पल बिल्कुल। आदमी अभी अच्छा मैंने था, बेहतरीन बात करता था, अब नफरत बांटो जाएगा साला, जब हाँ तक था सच बात करता था, हाँ समझ लो। तो ये फर्क अभी ये जो आपकी ऑडियंस आपको देख रही है, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है ये आप लोग को यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अशु भाई अपलोड कर देंगे, मैं भी कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, बाकी अशु भाई कम्युनिटी पे लगा देंगे, लिंक देख लेना आप लोग। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो अशु भाई, ठीक है? फिर मैं चलता हूँ, मेरा थोड़ा काम है, तो मिलते हैं अगली बार, ठीक है? याद रखना यासिन भाई को। ओके ठीक बाय, थैंक यू, टेक बाय केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तारिक भाई आओ, रिक्वेस्ट भेजो, तारिक भाई फटाक से आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जब लाइव में हूँ तारिक भाई तुमसे भी मुलाकात हो जाए मेरी जान, कैसे हो तारिक भाई, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ये दिल दीवाना है, ये दिल दिल की खता भी है क्या, मुझको गिला भी है क्या, इस दिल लगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या, दिल ये पागल चोर नहीं है, मैं क्या करूं दिल पे। आओ यार तारिक भाई जल्दी से आओ, फटाक से आ जाओ भाई, इन्हें तो मेरा मूड बन जाएगा सिगरेट पीने का। नहीं हो रहा है भाई, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है भाई, तुम फिर से करो, भेजो रिक्वेस्ट, भेजो मेरे पे, तो मैं बताऊं ना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भेजो मेरे पे रिक्वेस्ट, कैसे नहीं होगा। दिल की खता भी है क्या, इसको गिला भी है क्या, इस दिल लगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या, दिल पागल छो रही है। सर बड़ी अच्छी आवाज है आपकी, शुक्रिया शुक्रिया कौर जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ भेजे हो भाई, तारिक भाई आ गया अपना, तारिक भाई ज्वाइंट पे मारा है, देखो आ गया तो बताना यार फटाक से, यार आया कि नहीं आया है, ले लिया यहाँ पर
दर्द जुदाई क्या होता है तुम जानो मैं जानू, प्यार बुलाए दुनिया रोके किसका कहना मानू। और तारी भाई अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम भाई, आप बताओ क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, आप खैरियत से हैं? बस आप खैरियत से रहिए जी। हम सो रहे हैं, हम अब आप इंस्टा पर जब भी आप वीडियो कॉल करते हो हम सोते ही रहते हैं। बस अभी आप देखा तो हमारी किस्मत कहा है? हाँ देखा, आप लाइव चल रहे थे। ये यासीन भाई कौन थे? ये है हाँ, ये यासीन भाई है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के किया था कि भाई लाइव में आपसे बात करनी है, तो उनका दिल तो है किसी का दिल तोड़ना नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भाई, आ जाओ इसे भी आप नहीं तोड़ते। आपका चेहरा नहीं दिख रहा है भाई, आपका चेहरा नहीं दिख रहा। यहाँ तो मेरा चल रहा है भाई, नहीं आ रहा है यार, फिर से चेक करो। नहीं नहीं आपका चेहरा नहीं आ रहा हो गया यार तारिक भाई। और अभी अमान भाई भी थे ना, आर्यन भाई आया क्या? कहाँ आर्यन भाई भी नहीं दिख रहे हो, मतलब फेस वीडियो नहीं आ रही है? नहीं नहीं आपकी तो वीडियो भी नहीं आ रही है यार। मेरा शकील अहमद कौन है इसका दिख रहा है? शकील मेरा मेरे फेस वीडियो नहीं आ रही है? ना ना ना। और शकील दर्द जुदाई क्या होता है तुम जानो प्यार बुलाए के किसका कहना मानू, तुम सुन को कुछ भी सूझे ना। और वो नौशाद भाई कहाँ है? नौशाद भाई कहाँ इस पे हैं भाई साहब? ना नौशाद भाई ना लॉजिक लॉजिकल फैक्ट का लग रहा है वो क्या बोलते हैं उसको, कल का कलेक्शन देख के हम तो डर गए, हमको लगा सुखी की तरह सुसाइड तो नहीं कर लिया। अरे कल का कलेक्शन इतना ज्यादा डाउन। अच्छा देखिए दोनों का ही मतलब एकदम, दोनों साथ साथ ग्रोथ लेती थोड़ा सा, दोनों साथ साथ एकदम डाउन होती है। यार तारिक भाई आपका फेस मेरे को दिख रहा है, आप बोल रहे मेरी वीडियो नहीं आ रही है, मेरी वीडियो नहीं आ रही भाई, लोग जो लोग लाइव में हो बताओ मेरी वीडियो नहीं आ रही। नहीं नहीं अभी शकील का मैसेज आया कि दिख रहे हो, लेकिन वो खुद वो भी नहीं दिख रहा, आप भी नहीं दिख रहे। फिर से आओ बाहर जाके, फिर से आओ तारिक भाई। तारिक भाई फिर से आइए आप जी। आ रही आया अब आपकी नहीं आ रही, आ रही क्या टंकी हो रही है यार? एक मिनट आप बाहर जाओगे तब आओ, डिस्कनेक्ट कर दो आप। आया नहीं आ रहा है तारिक भाई। टर्न ऑन वीडियो, आप पहले कट के बाहर हो जाओ, ये टर्न ऑन ऑफ हो रहा है। किसी और का तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझ मान तो कोई और है। क्या बात है, ये तेरा कहाँ गए भाई, एकदम बात है क्या? क्या बात क्या बात क्या बात, मुझको
अब आया, अब हमारा दिखा रहा है, आपका तो नहीं दिखा रहा अभी भी। क्या हो रहा है, आपका तो आ रहा है मेरे पे यार, कमाल। देखिए क्या क्या इसमें बन गया, बन क्या आ रहा है, कमाल हो गया यार। आपकी पूरी चल रही है साफ, सही है ना, डंकी कलेक्शन के हिसाब से वाला सही है। ये तो आग लगी है, आग। वही कह रहे, डंकी कलेक्शन के हिसाब से ये सही है। साला हिरानी भी साला उसको, और मतलब सबसे कमजोर स्टोरी एसआरके के साथ लाना था उसको। वो भी सोचा कि लाओ जो थोड़ा बहुत बचा है निकाल लो, वरना आपको खुद पता है सुबह ये स्टोरी कोई और होता तो इतना भी करती। यही चीज मैं बताता हूँ तारिक भाई, यही चीज समझ नहीं पा रहा है कोई। मैं यही चीज बार बार बोल रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा है कोई। वो कहावत कही गई, जब अपने में पड़ती है तो लोग को समझ में आती है। मैं एक चीज यही कहता हूँ तारिक भाई, अब जैसे एक लोग कहते हैं ना कि आप डंकी को जबरदस्त बोल रहे हो, फालतू बोल रहे हो, यार मैं कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन आप सोचो, जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी, जब इसका अनाउंस, ठीक है, वो तो भाई देखिए आप वहां पे इतने लोग रहते हैं, अब सबके सामने बोलते रहे, अब आप खुद जान लो कि जो उम्मीद थी वो चीज तो नहीं नहीं हुआ, वो तो सबको पता है। मैं ये कह रहा हूँ, जब ये फिल्म अनाउंसमेंट हुआ था कि डंकी फिल्म बन रही है, शाहरुख और राजकुमार हिरानी आ रहे हैं, तो क्या उम्मीद थी आप बताओ, उम्मीद कितनी जबरदस्त थी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वक्त मैं बता रहा हूँ, मुझे याद है पठान का भी अनाउंसमेंट हुआ था और डंकी का भी अनाउंसमेंट हुआ था और जवान का भी हुआ था, उसमें हुआ था आप, कोई भी। अब जैसे हिरानी ने इंटरव्यू दिया ना कि कलेक्शन ही सब कुछ नहीं होता, अगर भाई रईस की जैसी मूवी होती उसके बाद तुम ये चीज बोलते कलेक्शन ना आता तो चलो चल जाता, कौन सा बहुत अच्छा तुमने वो दिया उसको। मैं वही बोल रहा हूँ, नहीं सुनिए पहले मेरी बात तारिक भाई, जब ये तीन फिल्म अनाउंसमेंट हुई थी शाहरुख खान की ना, तो सब यही बोल रहा था, कांड यही बोल रहा था कि 100% डंकी तो लिख के ले लो, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है, पठान जवान छोड़ो डंकी तो है, लोग कह रहे थे कि नहीं। हाँ, हाँ, सब सब को ये था। हाँ, जवान पे लोग नहीं बोल रहे थे, लेकिन डंकी पे, डंकी के चोट पे बोल रहे थे ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है, क्योंकि इसको कर रहा है राजकुमार हिरानी। और हुआ उस अपोजिट, पठान और जवान ब्लॉकबस्टर हो गई और डंकी थर्ड क्लास हो गई। आप एक एक साल नहीं, ये शकील, शकील एक लड़का है ना इसमें, अभी ऐड देख रहा है हम लोगों को, लेकिन पता नहीं क्यों ज्वाइन नहीं कर रहा। उसने बोला था, मतलब जब पठान और जवान डंकी तीनों आई थी, उसने बोला था हमको उसी वक्त, बोला था भाई दिखा देखना सबसे ज्यादा जवान करेगी, अगर पठान फ्लॉप भी हो गई, बोला उसका एटलीस्ट, वो साउथ की मूवी ज्यादा देखता है, वो सोलापुर का है, महाराष्ट्र का है। अच्छा अच्छा, उसने बोला था हम, बल्कि पठान के बाद थोड़ा सा हमको लगा कि यार बहुत ज्यादा हाइप बन गया इसका, जवान का कहीं ना चले स्टोरी अगर बेकार निकल गई, लेकिन ये बोला कहा नहीं, एटली एटली है डायरेक्टर उसका, और उससे पठान से ज्यादा चलेगी, और हुआ भी, लेकिन डंकी को लेके बज ही नहीं बन पा रहा भाई। देखिए कहीं ना कहीं टाइगर थ्री का भी आप खुद जान रहे हो, अब चाहे वायरफ ने गलत डेट रखा हो और चाहे वो डंकी और सलार का क्लैश, वो बस नहीं बनने दिया, मतलब जब इसका टाइगर का जैसे सॉन्ग आया, दो दिन उसका बस बना, उसके बाद फिर डेली सारे यूट्यूबर मिलके सलार और डंकी का क्लैश की बात कर रहे हैं, टाइगर की कोई बात ही नहीं। थोड़ा बहुत हालांकि इससे होता नहीं, अगर अच्छी मूवी होती तो आप देख रहे हो ट्वेल्थ फेल कितना 40 लाख या 30 लाख उसने ओपनिंग किया था, अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है, और अभी भी चल रही है। हाँ, कि मैंने खुद ये वीडियो बनाई थी, उस टाइम बनाई थी जब डंकी का अनाउंसमेंट हुआ था, पठान का अनाउंसमेंट हुआ था, उसी टाइम दोनों का मैंने बोला था, और मैंने उस वीडियो में बोला है एक साल पहले कि ये फिल्म 100% ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और ये कि आप डंकी फिल्म देख रहे हो तो आपका एक सीन आप नहीं कहोगे कि हाँ ये सीन यार मजा आई देखकर, समझ रहे हो, उसका रीजन सिर्फ इतना है कि आपको पहले से पता है कि वहां उनको जाना है, वहां उनको आना है,
ठीक है। वही 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 सही। और क्या, वो अपना जो उनका रहता था सस्पेंस, वो सब कुछ ओपन, कुछ कुछ भी ऐसा नहीं छुपा उसमें जो मूवी में ना पता वो हो। जो जर्नी दिखाई है, वो जर्नी जैसे स्ट्रगल दिखाया था आपका संजू में, जेल का स्ट्रगल था ये, हाँ उसमें स्ट्रगल भी उस तरीके हाँ से सही। आदमी का, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ एक नहीं सिंपल दिखा पाए जज भाई। के सामने भक्ति दिखा दी, और उसी उसी के सामने एक लोगों ने अपनी गरीबी दिखा दी। मतलब तापसी पन्नू ने बस देश छोड़कर गरीबी को चुन लिया, और शाहरुख खान ने देश को चुन बस लिया। ये एक हो गया एक फ्रेम हाँ में, और भी पब्लिक इमोशन नहीं होता, तो वो मजा ही नहीं आता यार। शाहरुख का बिल्कुल इमोशन वो देती है, आपको पता है, शाहरुख जब हाँ, वो तो पब्लिक है। रोती है, लेकिन डंकी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप आज भी कभी खुशी कभी गम देखोगे ना, तो आपके आंख में आंसू आ जाएगा। कमाल बिल्कुल बिल्कुल वो तो है ही। हाँ है। आप वीर ज़ारा की वो सीन देख लोगे, अदालत वाली कोर्ट सीन, वो कमाल की सीन है। बिल्कुल हाँ, और क्या, डंकी नहीं दे में पाया इसमें डायरेक्शन, अच्छा नहीं दे पाया भाई। जो बाकी क्लियर है वो क्लियर है। और कोई रीजन नहीं है कि मैं इसको अभी देखो, इस आरके की फिल्म आ रही है, फिर देखो मेरा सपोर्ट कितना जबरदस्त होगा। आप देखो खाली बात वो तो है नहीं। इस... और हम भी चाह रहे थे भाई कि डंकी, मतलब जब तक आई नहीं थी, कि अब SRK डंकी टाइप की ही मूवी करे। मतलब अब देखिए, आप खुद जानते हो, हम लोग आज अगर शाहरुख खान के फैन बने तो कोई एक्शन की वजह से नहीं बने हैं, उसकी एक्टिंग की वजह से ही बना गया है ना। वही बोल रहा हूँ, शाहरुख खान हाँ, ने कोई एक्टिंग पठान और जवान से हम लोगों को सिर्फ रिकॉर्ड मिला है ना, कि जो हम लोग शाहरुख देखना चाहते थे वो शाहरुख नहीं मिला हम लोगों को। मैं वही बोल रहा हूँ कि शाहरुख खान देखो, किसी किस्मत सलमान खान आप वाली बार नहीं बार है। उसका नाम, आप बार बार उस सलमान मूवी का नाम लेते हो ना, रब ने बना दी जोड़ी। सच बता रहे हैं, मतलब जिस टाइप के SRK की मतलब मूवी होती थी, लास्ट मूवी शाहरुख खान की रब ने बना दी जोड़ी ही थी उस टाइप की। मैंने कहा कि रब ने बनाई जोड़ी, मैंने 5 बार लगातार देखी है थिएटर में, लगातार 5 बार। इतनी कमाल की नहीं नहीं फिल्म वो थी भी भाई। हाँ, मतलब जिस जैसे शाहरुख की जो उम्मीद की जाती, वो लास्ट बता दो ना। उसके बाद देखिए माय नेम इज खान भी आई, सुनिए, ले अच्छी स्टोरी थी, लेकिन वो आप माय नेम इज खान 5 बार नहीं देखे होंगे। मैंने कहा रब ने बनाई जोड़ी आपने देखी है ना, उसका आपको मैं अरे भाई बता, हमारी इतना जबरदस्त इमोशन दिखाया है, स्पेशली इंटरवल सीन जो है, इंटरवल सीन जो रखा था हाँ उसके अंदर, कि बहुत कहीं बहुत सूर्य पूछता रह जाए कि हमें राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते, और उसपे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, कसम बता रहा हूँ, उस हाँ पे हाँ रोन 100% सही 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 रोन। बिल्कुल सही है। और लास्ट की जो सीन होती है, जब पता चलता है कि राजी सूरी है, जो डांस हाँ शाहरुख खान अपने लुक में आकर, क्या सही गूज बम देता है, सही देखो हाँ गूज बम अभी आ रहा है, उसमें उतनी नहीं सही कमाल। है। मतलब तो उसमें कई सीन है, उसमें बहुत कॉमेडी भी बेहतरीन, सीन है, जब वो कॉमेडी। तैयार हो जाती है राज के साथ भागने को, राज के साथ भागने को तैयार होती है, और अरे वो मैं गले बोल रहा मिलके हूँ फिर रोता है तो। उस फिल्म के गाने ब्लॉकबस्टर हैं, गाने एक नंबर के हैं, फिल्म हाँ कॉमेडी सही भी, सही वो उसका दोस्त जो बना है कॉमेडी बेहतरीन किया है, हाँ, छोटी सी कॉमेडी वो भी अच्छी वाली है। हाँ सही है कॉमेडी रद्दी है। टंकी कॉमेडी, आप क्या है यार, ये कॉमेडी है। दादी का इंतकाल हुआ है और आप फिजिकली रहे हो, ये कोई कॉमेडी है? ये फालतू चीजें है, मतलब बकवास है यार ये, बिल्कुल मुझे मजा एक परसेंट मैं बता रहा हूँ, ये सीरियसली। मूवी असल में आशु भाई, आप इसके वो नहीं जानते होगे, मतलब ये हिरानी ने ना इसको पूरा रियल में मतलब बना दिया, और ये रियल स्टोरी तो जाने आप, हिरानी इतनी अच्छी बना नहीं सकते। हमारे समझ से आनंद एल राय होते, या फिर ये आपका कबीर खान होते ना, ये दोनों अच्छा अच्छा डायरेक्शन कर लेते। जो स्टोरी थी इसकी मेन वो बात लोग क्या है ना, कर देखो मेन लेते। बात क्या होगी ना, कि ये चीज है कि विद्धु विनोद चोपड़ा के ना रहने से कितना ना एक रहने बड़ा से हिरानी, हाँ, सही है सही। कि 12वीं वो जो फेल बताओ मुकेश आप, वही मुकेश मुकेश छाबरा ने जो एडिटिंग किया है, बहुत तन अच्छी नहीं किया उसने। आपको देख लो, 12वीं फेल कमाल की फिल्म बनाई विद्धु विनोद चोपड़ा ने, 12वीं सही सही हाँ फेल, ना उसमें कोई स्टार बड़ा है ना कास्ट बड़ी है, लेकिन हाँ कंटेंट बोल रहा है, कंटेंट बोल सही रहा है है। सही आपके पास बॉलीवुड का बादशाह खान है, सही सही के बाद आप इतना खराब फिल्म लेके आ, अब आप इससे खुद जज कर लो कि राजकुमार हिरानी जो थे वो विद्धू विनोद चोपड़ा बिना अधूरे हैं, उनके बिना वो काम नहीं है।
क्योंकि जितने सीन्स और फिल्मों में हम लोगों ने देखे ना, उसकी कंडीशन जो है वो सटासट जो ऐसे क्रिएट करते थे कि विदुर चोपड़ा कई हाँ सीन, थ्री इडियट के ले हाँ लो, फिर मुन्ना भाई, कई सीन ऐसे हैं जो विदुर चोपड़ा ने अपने एक्सपेरिमेंट पे किया है, वो चीजें लोगों को अरे टच की हैं। भाई क्या, उसमें हम समझ में आ गया कि हिरानी के पास मतलब बहुत ज्यादा, और जो आप बार बार मेरा बोलते हो ना बजट के लिए, बजट बजट हाँ शाहरुख का और हिरानी का जो होगा होगा, बाकी देखो मूवी में कहीं उसने कहीं मैं क्या कह रहा हूं, जो है उसमें मूवी में उसने ये बजट निकाल चुकी, मैं बात बजट की नहीं कर रहा हूं, बजट तो अपना हाँ निकाल दिया, बजट की नहीं हो रही है। शाहरुख खान के स्टारडम से फिल्म फ्लॉप है, ये बड़े बड़े क्रिटिक्स ने हाँ बोला है, जो के सही सही स्टारडम, सही हो गया। आप ये बार बार बोल दो 200 करोड़ कमा रही है तो ये शाहरुख खान का स्टारडम। अरे 100-200 करोड़ में वरुण धवन की पिक्चर हिट होती है, टाइगर श्रॉफ हिट सही होती सही हो है, गया। शाहरुख का हाँ स्टारडम है, उनके 400-500 करोड़ से नीचे का स्टारडम नहीं है, 100-200 करोड़ में उनका स्टारडम, यही चीज लोग समझ लेकिन नहीं भाई पा रहे। ये जो ये 500 करोड़ वाला जो क्लब खुल गया है ना पठान के बाद से, ये बहुत बहुत प्रॉब्लम करेगा बड़ी मूवियों को बहुत। आपको क्या लग रहा है बड़े मियाँ छोटे मियाँ 500, इतनी बजट की मूवी 500 करोड़ कर लेगी? वो बहुत मैं देख मुश्किल है भाई। 500 करोड़ का जो क्लब है ना, आप इसी से जो है, आप मानो या ना मानो कि इस वक्त जो है प्रोड्यूसर भी धांधली करने लगे, पता है, हाँ आप जाके डंकी सलार के तो मेकर्स अपना जो रेट बढ़ा के दिए दिए, अब डंकी का भी रेट देखो 2 करोड़ 3 करोड़ बढ़ा बढ़ा के रोज दे रहे हैं, 200 करोड़। 2 करोड़। हाँ, अरे भाई हम तो हम आपका एक वही कुणाल नहीं है, हमारी उसकी बात हो रही थी, हम लोग बोल भी रहे थे ये चीज, अब इनको भी दो ढाई बढ़ाना चाहिए, और उसके बाद से बढ़ाने भी लगे, उसके बाद से हम लोग बात ही कर रहे थे तब से बढ़ाने भी लगे ये भी। बार बार बोलता हूँ यार, अभी आप हेरा फेरी उठाओ देखो, मजा आती है देखकर, ऐसी फिल्म है, आप देखो मजा आती है, आप रब ने बनाई जोड़ी देखो मजा आती है, इस वो चीज है जो आप बार बार देखो। लेकिन ये थर्ड क्लास फिल्म, आप गदर को देख लो 500 करोड़, एनिमल जैसी थर्ड क्लास हाँ फिल्म है, एनिमल अब भी इन 500। हाँ आप सोच लो, अब साल इसी तरीके का है, रियल देखा जाए हाँ तो बेस्ट फिल्म मुझे लगी थी जवान, जिसमें मैसेज हाँ भी दिया गया था बेहतरीन तरीके से, और परफॉर्मेंस विक्रम राठौर का बड़ा कमाल का था, हाँ विक्रम राठौर कैरेक्टर बहुत ही कमाल का उसने लिखा था, बहुत और हाँ प्रेजेंट हाँ साउथ मसाले की तरह से जो प्रेजेंट किया था ना, कमाल की। जी जी बाकी जी चीज लेकिन ये लोग नहीं मानते, लोगों के दिमाग में यही चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं ऐसा यार। और एक बात ये भी बोल रहा हूँ तारिक भाई, आज से साल 2 साल बाद टाइगर, आप ओटीटी टीवी पे देखोगे ना, तब आपको टाइगर 3 पसंद आएगी। नहीं तो भाई टाइगर 3 को किसी ने मतलब ये मतलब बुरा ही नहीं किया उसको, देखो रेटिंग देखो ना आप उसकी अच्छी, IMDb भी देख लो, मतलब हम ये यूट्यूबर की बात नहीं, यूट्यूबर की बात नहीं कर रहे हैं, और मैं सब जगह देखो सबने तारीफ किया उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो टाइगर 3 को गलत बोल रहे हैं, उसके खिलाफ निगेटिव है। हाँ जम के की गई है। आप ऐसे सोच लो कि अगर ये 500 करोड़ क्लब वाला ये मामला नहीं होता तो टाइगर 3 ब्लॉकबस्टर कहलाती, बस कहीं ना बिल्कुल कहीं बिल्कुल, उसको लोग 500 करोड़ क्लब से जो है उसको जोड़ रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूं कि ये सिस्टम जो पलाया है ना, बहुत ही घटिया है, और आने वाला कल देखो बहुत सी ऐसी फिल्म आएंगी और चली जाएंगी जो बहुत अच्छी होंगी, चलेंगी नहीं, वो फालतू फिल्म चलेगी। हाँ, और काफी घटिया मूवी 500 करके वो ब्लॉकबस्टर कहलाएगी, और अच्छी मूवी 200 150 में वो बेकार मतलब उसको फ्लॉप घोषित कर दिया है। इमोशन की बात करो ना, इमोशन में रक्षाबंधन फिल्म कितनी कमाल की थी, पता है, हाँ रक्षाबंधन फिल्म, अक्षय कुमार, अरे लक्ष्मी बम भी उसकी अच्छी थी अक्षय कुमार की भाई, रक्षाबंधन के खिलाफ निगेटिव इतनी लक्ष्मी चली, फ्लॉप हो गई, अच्छी फिल्म लोग नहीं देखे। लक्ष्मी बम देखी आपने? लक्ष्मी बम देखी मैंने, भी अच्छी थी उसकी, कठपुतली भी उसकी अच्छी है। मुझे कठपुतली भी उसकी अच्छी लगी थी, क्योंकि मैंने साउथ वाली देखी नहीं है, कठपुतली मुझे मजा आई थी देखने में, मुझे मैंने साउथ हाँ वाली देखी नहीं थी, फर्स्ट टाइम मैंने देखा था कठपुतली, मुझे मजा आई थी, मैंने कहा इमोशन में हाँ देखना, रक्षाबंधन बेहतरीन इमोशन अक्षय कुमार की बहनों का दिखाया है, उसको किसी ने हाँ हाईलाइट नहीं, उसको कुछ हाईलाइट, नहीं, जो कि डंकी लोगों ने जबरदस्त उसका सपोर्ट किया है, पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं हाँ ये तो जितने है। दिए, बाद हाँ ये हाल है। और टाइगर 3 को शुरू से निगेटिव लोग देते आए हैं, जब फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी, उससे पहले, जी जी उससे तो पहले है चीजें, आप खुद रहते हो यूट्यूब पर, आपको खुद पता है कि क्या चला है,
एक चीज में अगर डंकी फिल्म का राजकुमार हिरानी का 50% भी फिल्म होती ना डंकी, तो गारंटी लिख के ले लो 1,000 करोड़ कहीं चल जाता। गारंटी में बता सही सही रहा हूँ, हाँ। 1,000 अगर उसका सही सही 50% समझ रहे हो। हमने लेकिन बहुत पहले कमेंट किया था, ट्विटर पे भी किया था, जब मुकेश छाबरा ने बोला था कि 3 इडियट से 100 टाइम बेटर है, तभी हमने बोला रहे हमका भाई 100 टाइम बेटर नहीं, 50% भी अगर 3 इडियट का होगा तो मूवी जो है यहाँ हिंदी बेट से 600 करोड़ तो कर ही लेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तारिक भाई चलिए बैटरी इसकी खत्म हो रही है, रात में मिलना भी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक ठीक बैटरी चार्ज पे लगा देते हैं, फिर मुलाकात होती है, जिंदगी हयात रहेगी, फिर शाम और रात में मुलाकात होगी 12 बजे जी यूट्यूब जी पर। ठीक बिल्कुल है बिल्कुल, चलिए हाँ ठीक, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।